Okay, good morning everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Thank you so much, beta. Chalo. So, mujhe kal thoda sa yaad dilana. Humne last session mein kya discuss kiya tha, beta? Last session mein kya dekha tha hum logon ne? I suppose test ka discussion kiya tha, sir. Sirf test ke questions hi discuss kiye the. Correct. ओके okay. और उसके पहले हम मॉड्यूल्स डिस्कस कर रहे थे. सो मॉड्यूल्स का हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट तो देखा था. अभी हमको उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है. सो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको जल्दी से ट्राई कर लो. इट सेज मॉड्यूल्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन. ये आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन है. यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, सब लोग ट्राई करो. अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई दिया था ऑलरेडी, मॉड के लिए हम अप्रोच यूज करते थे. सो यू नीड टू यूज द सेम अप्रोच इन दिस क्वेश्चन. अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है एंड यू नीड टू कमेंट अपॉन द आंसर. सो सबके पास दो मिनट का टाइम है, सॉल्व करो एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर.
ओके सॉल्व हुआ सबका? एनीबडी गॉट द आंसर? नो सर, वन मिनट मोर. ओके ओके चलो ऐसे कोई इतना टाइम बाकी था. अब मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? इट लुक्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बट एग्जैक्टली आपको कहाँ पे इशू आ रहा है मुझे बताओ सभी को. सर केसेस सॉल्व करने में. ओके केसेस सॉल्व करने के पहले क्या आपने इसको सिंपलीफाई किया थोड़ा सा? सर कैसे सिंपलीफाई करना था, मतलब यही इक्वेशन को मॉड्यूलस फंक्शन में सिंपलीफाई करना था. यस यस करेक्ट. चलो मैं बताता हूँ. नहीं सर वैसे नहीं क्या चलेगा. नो इश्यूज. देखो जरा मल्टीपल अप्रोचेस, द बेस्ट अप्रोच और द शॉर्टेस्ट अप्रोच विल बी कि हम इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करें. वो कैसे होता है देखना. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था विच सेज अगर कहीं पे मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखा है तो यू कैन राइट दिस पार्ट एज मॉडुलस एक्स अपॉन मॉडुलस वाई. करेक्ट. इसको आप सेपरेट कर सकते हो अंडर द कंडीशन के वाई जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. ये हमने मॉडुलस के स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन में मॉडुलस लगाए तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो. देयर इज नो इशू विद दैट पार्ट. सो इसका बेनिफिट यहाँ पे कैसे होगा वो समझना. जो अपना फर्स्ट पार्ट है या फिर फर्स्ट टर्म है, क्या आई कैन राइट दिस फर्स्ट टर्म एज मॉडुलस ऑफ एक्स द होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर. नाउ आई कैन राइट दिस सेकेंड टर्म एज मॉडुलस ऑफ एक्स एज इट इज. थर्ड टर्म को भी सेम लिख लेता हूँ, x square upon modulus of x minus 1. Now, इससे बेनिफिट क्या होगा समझना. यहाँ पे मैं एक काम और भी कर रहा हूँ. यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ x minus 1 should not be equal to 0. क्या सब कुछ समझा ये कंडीशन मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. हाँ, because denominator should not be equal to 0. डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा था तो x माइनस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे मुझे एक कंडीशन मिलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ये अपना एक कंडीशन है कि x कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर दिस केस बेसिकली. नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझना. मैं थ्रू आउट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ. आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइंग बाय मॉडुलस ऑफ x माइनस 1. अब उसका बेनिफिट क्या होगा समझना. जब मैं दोनों साइड मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट टर्म को बोलू, फर्स्ट टर्म सिर्फ मॉड x बचेगा
क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन से मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड टर्म हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन एंड थर्ड टर्म विल बी एक्स स्क्वायर. ये सबको समझा मैंने क्या किया? यस सर. हाँ सर. नाउ अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है. अब जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बना है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. नाउ इतना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब अपने पास आता है इंपॉर्टेंट पार्ट विच सेज कि अब मुझे मॉड को सॉल्व करने का टेक्निक यूज करना है. एंड द टेक्निक इज कि मॉडुलस को जब भी सॉल्व करते हैं तो हमको क्या यूज करना होता है? वी नीड टू यूज क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जितने भी आपको मॉड दिख रहे हैं उन मॉड में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? जीरो एंड प्लस वन. क्या सबको ये पार्ट क्लियर है क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे? यस सर. हाँ, जहां जहां पे आपका मॉड के अंदर का वैल्यू जीरो बनेगा दैट विल बी क्रिटिकल पॉइंट. तो फर्स्ट लिखा था मॉड एक्स को आपने जीरो बनाया तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया. तो पहला क्रिटिकल पॉइंट तो आपका एक्स इक्वल टू जीरो ही हो गया. फॉर द सेकंड केस जब मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन के अंदर आप जीरो बनाओगे तो बनेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. वहां से आपको कंडीशन मिलेगा कि एक्स शुड बी इक्वल टू वन. तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड क्रिटिकल पॉइंट. नाउ क्रिटिकल पॉइंट विल बी जीरो एंड वन. अब क्रिटिकल पॉइंट अगर आ गए तो यहाँ पे हम केसेस को प्लॉट कर लेंगे. केसेस को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते थे? तो लेट अस से मैंने क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जीरो एंड वन. मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कितने केसेस फॉर्म करना पड़ेंगे? सर टू. टू और थ्री? ओके सर. हाँ, बिकॉज जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना नंबर ऑफ केसेस हमेशा उससे एक ज्यादा होता है. लाइक यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है तो दो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड होगा. तो आई नीड टू सॉल्व थ्री डिफरेंट केसेस. दिस विल बी फर्स्ट केस फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू जीरो. दिस विल बी सेकंड केस फ्रॉम जीरो टू वन एंड दिस विल बी थर्ड केस. अब तीनों केसेस को समझना. इसको हम जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हाँ, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि कभी भी एक्स का वैल्यू इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ. नाउ स्टार्टिंग अबाउट केस वन. केस वन में अपने पास कंडीशन है कि एक्स जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए. नाउ अब मुझे याद दिलाना वापस से कि जब एक्स जीरो से छोटा है तो फर्स्ट मॉड को कैसे ओपन करोगे? पॉजिटिव से और नेगेटिव से? नेगेटिव से. यस, वेरी गुड. मॉड एक्स जो है आपका नेगेटिव से ओपन होगा तो इसको मैंने माइनस एक्स लिख दिया. व्हाट अबाउट दिस मॉड? मॉड एक्स सर उसे भी नेगेटिव से ही करेंगे. वेरी गुड, उसको भी नेगेटिव से ओपन करेंगे बिकॉज मॉड के अंदर वैल्यू पुट करने पे आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है. व्हाट अबाउट एक्स माइनस वन? सर उसे भी नेगेटिव से ओपन करेगी तो फिर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा. Yes, इसको भी नेगेटिव से ओपन करेंगे बिकॉज़ जीरो से छोटा वैल्यू पुट करने पे वी आर गेटिंग अ नेगेटिव आंसर. तो इसको भी अपने को नेगेटिव से ओपन करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मुझे खाली कंफर्मेशन दो सबको ये इक्वेशन जो मैंने सिंप्लीफाई किया ये समझा? यस सर. ओके, चल अब यहाँ पे देखना इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का पार्ट और कैसे करेंगे. ये हो गया माइनस एक्स. नेक्स्ट इज माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स इंटू प्लस वन सो दिस बिकम्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल. माइनस एक्स मतलब इट बिकम्स माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो. अगर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो आया दैट सिंपली मीन्स कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो. अब मुझे बताओ क्या एक्स इक्वल टू जीरो मेरा आंसर हो सकता है? नहीं सर. हाँ, इस केस में नहीं. द रीजन वॉज कि यहाँ पे मैंने x लेस देन जीरो अज्यूम किया था केस के लिए एंड मेरा आंसर क्या है आया है एग्जैक्टली x इक्वल टू जीरो. तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा देर इज नो सोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आया है वो अपने केस को जस्टिफाई नहीं करता है. नाउ अब सेकंड केस पे आते हैं. सेकंड केस हो जाएगा जीरो टू वन. इसी केस में अपने को केयरफुल रहना था. केस टू में मैं लिखूंगा यहाँ पे कि x जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा. मतलब ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो तो हो सकता है बट यहाँ पे वन पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा. क्यों नहीं लगाऊंगा समझे? Yes, sir. इस कंडीशन की वजह से बिकॉज एक्स कभी वन नहीं होना चाहिए था. ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन मैं वन पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा. नाउ अब थोड़ा सोच के बताना अगर एक्स जीरो से वन के बीच में है तो इनमें से कौन सा मॉडुलस प्लस में ओपन होगा और कौन सा मॉडुलस माइनस में ओपन होगा? व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट मॉड इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन? पॉजिटिव से ओपन होगा.
वेरी गुड, फर्स्ट मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा। ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया भी था कि अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो पिक एनी ऑफ द नंबर जो आपके केस में लाई करता है, लाइक 0 से 1 के बीच में, लेट अस से 0.5। नाउ 0.5 इज अ पॉजिटिव नंबर, जब 0.5 को यहां पुट करोगे तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, दैट सर्टेनली मींस कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। सो ये फर्स्ट मॉड तो पॉजिटिव से ओपन होगा। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड दिस बोथ मॉड आर सिमिलर और एग्जैक्टली आइडेंटिकल आई कैन से, तो ये भी पॉजिटिव से ओपन होगा। व्हाट अबाउट दिस वन? चेक करो प्रॉपरली, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन टेक्निकली ये नेगेटिव से ओपन होना चाहिए। उसका रीजन है, जीरो से वन के बीच का कोई भी नंबर आप पिक करोगे और उसको वन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा ना। लेट अस से आपने 0.5 लिया, सो 0.5 माइनस वन बिकम्स अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, बाकी सब जगह पॉजिटिव था। तो आई शुड से कि स्टार्टिंग के जो दोनों मॉड है वो तो प्लस से ओपन होंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास प्लस एक्स, जो नेक्स्ट मॉड है वो माइनस में ओपन होगा अपने पास, दैट इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये अपने पास कंडीशन रहेगा। और यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी माय इक्वेशन। अभी मुझे क्लियर करो, सबको समझा ये पार्ट इक्वेशन का? यस सर, यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्लस टू एक्स यहाँ था तो शिफ्ट होकर माइनस टू एक्स बन जाएगा। नाउ आई कैन टेक टू एक्स कॉमन फ्रॉम दीज टू एक्सप्रेशन, जब टू एक्स कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे x के कौन कौन से आंसर्स मिलेंगे? सर 0 और 1। यस, यहां मुझे मिलेगा x equals to 0, this will be the first solution, and second is x is equal to 1. Now अब मुझे खाली कंफर्म करो कि क्या 0 एंड 1 दोनों सॉल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक होगा या एक भी नहीं होगा? सर 0 होगा सर पार्ट, क्योंकि हमने तो लिखा है x is equals to 0। करेक्ट, जीरो विल बी दी पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन, दिस इज माई सोल्यूशन, बट एक्स इक्वल टू वन सोल्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो सेकंड केस से मुझे एक आंसर मिला है, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। सभी को सेकंड केस क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ मूविंग टू केस थ्री। केस थ्री में पास एक्स जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए, केस 3 अपने पास यहाँ पे है x is greater than 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पिक एनी ऑफ द नंबर जिसका वैल्यू 1 से बड़ा हो, जब उसको मॉड में पुट करोगे तो कैन आई से सभी मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी? हाँ सर, यस सर। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करो या कहीं भी पुट करो, यू विल गेट ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। अगर सभी मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट सर्टेनली मींस के सभी मॉड को आपको पॉजिटिव से ओपन करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x plus x times of x minus 1 is equals to x square। अब यहाँ पे इसको simplify करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x plus x square minus x is equal to x square। अब यहाँ पे x से x cancel, x square से x square cancel, यहाँ पे एक equation बनी है 0 equal to 0। क्या इसके बारे में हम पहले भी कुछ discuss कर चुके हैं? तो no solution ही होगा ना? नहीं बेटा, इस केस में no solution नहीं होता, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सली ट्रू इक्वेशन और यूनिवर्सली ट्रू रिलेशन। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये कभी चेंज नहीं होता, किसी भी प्लेस पे जीरो इक्वल टू वन या जीरो इक्वल टू टू नहीं हो सकता, जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसमें एक्चुअली क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें ऐसा बोलते हैं कि इन दिस इक्वेशन देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पर डिपेंडेंसी ही नहीं है। आप एक्स को कुछ भी नंबर पुट करो वो सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको एक ऐसा आंसर देगा which is universally true relation, ठीक है, वो हमेशा एक universal true equation बनता है। So इस case में क्या होता है, एक चीज समझना, dependency x पे नहीं है, इसका simple सा मतलब है कि x का कोई भी value आपका answer होगा और आपने x क्या assume किया था, 1 से बड़ा, तो इस case में आपका answer रहेगा x is greater than 1। Technically इसका मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा कोई भी number अगर आप pick करोगे तो you will always get the solution of this equation। आपको चाहिए तो इसको अपन cross check भी करते हैं, let's say 1 से बड़ा मैंने 2 use किया। अब एक काम करो, इस जो क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन में आप 2 पुट करो, जिसको हमने सिंपलीफाई किया है दिस इक्वेशन, ठीक है, इसमें 2 पुट करते हैं, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2, व्हाट अबाउट दिस केस? पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2, व्हाट अबाउट दिस?
दिस टू माइनस वन तो वन पॉजिटिव हो टू गया. माइनस हाँ सो बेसिकली 2 + 2 लेफ्ट हैंड साइड 4 बन गया, यस एंड राइट साइड कितना हो जाएगा 2² दैट इज ऑल्सो 4. सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ सपोज करो लेट्स से x इक्वल टू 3 ले लिया. चलो 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, थ्री पॉजिटिव थ्री 3. और व्हाट फिर अबाउट बाद हियर, में पॉजिटिव थ्री एंड देन 3 उसके बाद भी पॉजिटिव थ्री माइनस वन बाद में उसके2 हो बाद गया. हाँ हाँ बाद सो में थ्री उसके इंटू बाद टू बिकम 6, यस 6 + 3 हाँ तो बिकम्स फिर 9, वही हाँ और यहाँ समझा भी नाइन सेम. ठीक है. सो टेक्निकली इक्वल्स केस टू नाइन थ्री, आ गया यस टेक्निकली केस थ्री का मतलब क्या हुआ था ये समझना. कभी भी आपको सॉल्व करते हुए अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा जहां पे एक इक्वेशन में सभी वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बचेगा वो आपके पास एक यूनिवर्सल ट्रू रिलेशन होगा, तो इसमें आप सिंपल सा बोल दोगे कि आपके पास जो भी एक्स आप अज्यूम कर रहे थे वो सभी एक्स आपके आंसर्स हैं. जैसे इस केस में 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप पिक करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द सॉल्यूशन, यू विल ऑलवेज गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज 1 से बड़ा हर एक नंबर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपस में कैंसिल आउट होके एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करेगा, एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट करेगा जिसको यूनिवर्स में कोई भी फॉल्स नहीं बोल सकता. हाँ इसी में सपोज करो अगर ऐसा होता कि आप पूरा सॉल्व करते और सारे वेरिएबल्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपको मिलता 1 = 4, तो मुझे बताओ क्या कहीं भी ये इक्वेशन ट्रू हो सकता है. नो सर तो इस केस में बेटा मैं क्या बोलता ना कि इस केस में बोलता है कि एक्स को कुछ भी पुट करो ये इक्वेशन कभी ट्रू नहीं आ सकता. दैट सर्टनली मीन्स कि अगर ऐसा कंडीशन मिला तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सली फॉल्स स्टेटमेंट, और ये हो जाएगा आपके पास नो सोल्यूशन वाला केस. बट क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला है, एक ऐसा इक्वेशन मिला है 0 = 0 विच इज ट्रू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, तो इसको मैंने बोला यूनिवर्सली ट्रू रिलेशन. और जहाँ यहाँ पे जो अपना सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सिंपली x > 1. टेक्निकली जो अपन ने केस अज्यूम किया था वो पूरा ही केस हमारा सोल्यूशन रहेगा. सो यहाँ पे मैंने वही बोला कि x > 1 जो है, जो हमने x का वैल्यू अज्यूम किया था, वो सब के सब यहाँ पे सोल्यूशन है. अब इस केस में अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ तो मुझे फर्स्ट केस से तो एक भी सोल्यूशन नहीं मिला था, सेकेंड केस से मुझे एक सोल्यूशन मिला था विच इज x = 0, एंड थर्ड केस से मुझे बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल रहा है. तो अब इसको मैं एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ वो देखो. इसको मैं लिखूंगा x = 1 to infinity यूनियन 0. ये समझे मैंने कैसे लिखा इस आंसर को. यस सर हाँ केस थ्री जो है उसका आंसर आया था कि 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू, तो मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया 1 से लेके इन्फिनिटी बोथ ब्रैकेट ओपन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास > 1 है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा. इन्फिनिटी इज ऑलवेज बाउंडेड बाय ओपन ब्रैकेट. नेक्स्ट इज 0 को मैंने इंक्लूड कर दिया बिकॉज 0 यहाँ पे इस पार्ट का आंसर आया था, तो मैंने यूनियन एक यू कैन से कर्ली ब्रैकेट के साथ 0 यूज किया है, बिकॉज हमको पता है कि कर्ली ब्रैकेट जो है वो एक सिंगल एलिमेंट को डिनोट करते हैं, वो कभी भी आपके पास इंटरवल को डिनोट नहीं करते. सो ये जो फाइनल आंसर मैंने कमेंट किया ये सबको क्लियर हुआ. यस सर ओके चलो एक हेलो क्वेश्चन और दे सर रहा हूँ आप थोड़ा. हाँ बेटा बोलो. सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब तक मिलने वाली है? अच्छा बेटा इसका रिकॉर्डिंग इवनिंग तक आ जाएगा आपको. ठीक है सर हाँ नाउ यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इतना टिपिकल तो नहीं है, लॉजिक सेम चलेगा बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है. इसको ट्राई करो एंड लेट मी नो द सॉल्यूशन. द क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ x² + x - 5 = 0. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है एंड आपको एक्स का सोल्यूशन बताना है कि एक्स का क्या क्या वैल्यू आएगा. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो द सॉल्यूशन.
ओके एवरीबडी गॉट द आंसर, सबका सॉल्व हुआ? नो सर, केस वन सॉल्व कर लिया। ओके चलो लास्ट वन मिनट फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस बेटा। यस ओके चलो कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है, जल्दी से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा और क्या उसका रीजन रहेगा आपके पास। तो इस केस में या इस क्वेश्चन मुझे बताओ सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे किया, केस कौन कौन से बनाए? सर पहले तो वही मॉड्यूलस को सिंपलीफाई किया, एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 में लिखा। ओके वेरी गुड, सो टेक्निकली यहाँ पे इसको हमने लिखा modulus of x into x plus 1 minus of 5 is equal to 0, जिससे मुझे दो critical point मिलेंगे, critical point will be 0 and minus 1, ये दो अपने critical point होंगे। अगर मैं इन दो critical point को observe करूं,
सो मुझे ये दिखेगा कि यहाँ पे भी आपके पास तीन केस बनेंगे बिकॉज नंबर ऑफ केसेस नथिंग बट वन मोर देन द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. तो यहाँ पे अपने पास क्रिटिकल पॉइंट दो थे, तो दिस विल बी फर्स्ट केस, दिस विल बी सेकेंड केस, दिस विल बी थर्ड केस. नाउ अब इन तीनों केस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द केस वन, केस वन में अपने पास कंडीशन रहेगा कि एक्स जो है वो माइनस वन या उससे छोटा है. अब मुझे सोच के बताओ कि अगर x is less than or equal to minus 1, तो उस केस में ये जो पूरा मॉडुलस है ये नेगेटिव से ओपन होगा या पॉजिटिव से? कंप्लीट मॉडुलस तो माइनस से और नेगेटिव माइनस. ओके एक बार चेक कर लेते हैं. लेट अस से आई एम टेकिंग अ वैल्यू ऑफ x व्हिच इज लेस देन माइनस 1, सपोज माइनस 2 अज्यूम कर लूं. यस सर. Now minus 2 put करूंगा तो first term will be negative क्योंकि only x लिखा हुआ है. Yes sir. And what about the second term? Minus 2 put करने पे x plus 1 will be positive or it will be negative? Negative. Negative. तो this negative multiply by this negative next term क्या हो जाएगा? Positive. Yes. तो mod के अंदर positive बन रहा है, that means mod आपका positive से open होना चाहिए. This should be the first case. So for the first case ये mod as it is positive से open होगा, that is x into x plus 1 minus 5 should be equal to 0. ये अपना होना चाहिए था first case का simplification. अब इसको आगे further solve कर लेते हैं. So it will look like x square plus x minus 5 is equal to 0. अब यहाँ पे इस equation को solve करने के लिए मुझे इतना बताओ, क्या इसको आप factorize कर सकते हो? No sir. So हम लोग क्या use करेंगे? ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. यस फॉर्मूला मेथड. मुझे बताओ फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो क्या ऐसा दिखेगा? इट विल बी माइनस वन प्लस माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर इज वन माइनस ऑफ फोर ए सी. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन इंटू या फोर इंटू फाइव बिकम्स 20 अपॉन 2. सो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा माइनस वन प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2. Now I need to observe these two answers. Observe करने का मतलब क्या हुआ? I need to confirm कि कौन सा value आपके range में है, कौन सा value case में लगेगा और कौन सा value नहीं लगेगा. First answer is minus 1 plus root 21 by 2 and the second answer is minus 1 minus of root 21 by 2. थोड़ा सा सोचो, if you need कि approximate value of root 21 कितना होता है, तो is approximately 4.5. थोड़ा सोचो और मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू आपके आंसर रहेंगे या फिर इसमें से कोई एक होगा या फिर एक भी नहीं होगा? टेक्निकली यू नीड टू क्रॉस चेक कि इनमें से कौन सा वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस वन है. जो वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस वन होगा वो आपके पास आंसर का पार्ट बन जाएगा. बताओ सर. सेकंड वाला. सेकंड वाला. यस सेकंड वाला इज डेफिनेटली द पार्ट ऑफ आंसर. व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? तो डेफिनेटली लेस देन माइनस वन तो नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट केस को डिस्कार्ड कर दिया. नाउ अबाउट द सेकंड केस. सेकंड केस में अगेन यहाँ पे आ गया माइनस 4.5 और यहाँ पे माइनस 1, तो ये माइनस 5.5 बन गया. 5.5 अपॉन 2 मतलब ये कहीं ना कहीं 2.7 बनेगा समथिंग, और 2.7 जो है नेगेटिव के साथ वो डेफिनेटली अपने पास माइनस 1 से छोटा है. तो सेकंड विल बी द पार्ट ऑफ योर आंसर. सबको ये पार्ट समझा? जस्टिफाई कैसे किया हम लोगों ने? यस सर. यस सर. ओके वेरी गुड. नाउ कमिंग टू केस 2. जब केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में अपने पास हो जाएगा x लाइन फ्रॉम माइनस 1 टू 0. यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 1 लेस देन x एंड x इज लेस देन 0. अब जब x का वैल्यू माइनस 1 से 0 में है तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू है दैट इज ओनली x, मैं बोलूँ ये नेगेटिव रहेगा इन ऑल दीज कंडीशन? यस सर. ओके व्हाट अबाउट x प्लस 1? वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? सर नेगेटिव. नेगेटिव. श्योर? Yes. Take any of the number between minus 1 and 0, any value. Let's take minus 0.5. Minus 0.5. When you put minus 0.5 here, so minus 0.5 plus 1, kya aayega? It would be positive 0.5. Yes, so it will be a positive answer basically. So this answer will be positive, this answer will be negative.
माइनस इनटू प्लस, तो ये आपका नेट क्या हो जाएगा, इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो ये व्हाट नेगेटिव से ओपन होगा। यस सर। ओके सो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस ऑफ एक्स इनटू एक्स प्लस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के जीरो में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। फाइनली इट विल लुक लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने। नाउ अगेन इसका भी अपने पास डायरेक्टली फैक्टराइज तो नहीं होगा, तो फॉर्मूला मेथड यूज करने का ट्राई करता हूँ। बट जब फॉर्मूला मेथड यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो डेल्टा है दैट इज नेगेटिव। अब मुझे बताओ किसी भी इक्वेशन का डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट जो भी आप बोलते हो बेसिकली डी, वो अगर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? ये आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं सर, सॉरी बेटा, याद नहीं है। ओके किसी को और को याद है? एनीवन? रूट्स आर अनरियल। यस करेक्ट बेटा, इस कंडीशन में होता है रूट्स आर अनरियल, तो इस केस को भी आप सिंपल सा बोल दोगे नो सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनरियल? अनरियल इज सिंपल, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, तो वो सब अनरियल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली दैट इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि अपने पास एक ऐसा नंबर या ऐसा वैल्यू मिलेगा जो इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास नो सॉल्यूशन फॉर केस टू। नाउ केस थ्री, अब केस थ्री अपने पास जो है वो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू। अब बहुत इजी हो जाता है, अगर x जीरो या जीरो से बड़ा है तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ओनली x पॉजिटिव। व्हाट अबाउट x प्लस वन? पॉजिटिव। अगेन दिस विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो अपने पास दोनों पॉजिटिव आंसर्स मिले हैं, दोनों पॉजिटिव आंसर्स को मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास कंडीशन हो जाएगा कि दोनों मॉड को ओपन करके आप पॉजिटिव से ही सिंप्लीफाई करोगे, तो x into x plus 1 minus 5 equal to 0, ये बनेगा अपना फाइनल कंडीशन। अब इस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्या मैं बोलूँ कि ये इक्वेशन तो एग्जैक्टली केस वन के इक्वेशन के टाइप का बना है, क्योंकि वहां भी दोनों पॉजिटिव से ओपन हुए थे, तो आंसर भी सेम आएगा। यहाँ पे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, इट विल बी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट ट्वेंटी वन होल अपॉन टू। दिस विल बी फर्स्ट केस, एंड सेकंड केस आपके पास हो जाएगा माइनस वन माइनस ऑफ रूट ट्वेंटी वन द होल अपॉन टू, ये अपना हो जाएगा सेकंड केस। अगेन यहाँ पे हम क्रॉस चेक करेंगे, वी नीड अ वैल्यू जो जीरो से बड़ी हो, तो क्या ये अपने सॉल्यूशन का पार्ट हो सकता है? आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट केस से एक आंसर विच इज माइनस वन माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू, थर्ड केस से एक आंसर विच इज माइनस वन प्लस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, फाइनल आंसर विल बी माइनस वन प्लस और माइनस रूट ट्वेंटी वन अपॉन टू, ये रहेगा आपके पास एक्स का फाइनल आंसर। कुछ लोगों ने मुझे एग्जैक्टली सेम आंसर ही बताया था, आई होप आपने सेम मेथड यूज किया हो। ओके सो अभी मॉडुलस का पार्ट सिंप्लीफाई कैसे करना है सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सो बेसिकली मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल के केसेस बना के उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस वे में क्या होता है कि मॉडुलस को रिमूव करके वी कैन कन्वर्ट दैट मॉडुलस का इक्वेशन इनटू अ नॉर्मल इक्वेशन और फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो सो विद दिस पार्ट वी आर डन विद मॉडुलस वाला कंप्लीट सेक्शन बेसिकली। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। इनफैक्ट आई कैन से कि यहाँ तक का जो पार्ट था दैट इज करस्पॉन्डिंग टू योर बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स में यूज होने वाली सब बेसिक चीजों को सीख रहे थे। अब आगे से जो स्टार्ट होगा दैट विल बी एक्चुअल चैप्टर, जो आपके सिलेबस के पार्ट में प्रॉपरली मेंशन रहेगा। यहाँ तक का जो पार्ट है ये आपके पास सिलेबस में मेंशन नहीं होता, बट डेफिनेटली इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं। सो यहाँ तक का पार्ट वॉज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अब आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation or the modulus? Quadratic equation. Yes, quadratic equation is from NCERT only. In fact, you will find
टू चैप्टर्स कंबाइंड इन एनसीईआरटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों आपको एक साथ मिलेंगे, एनसीईआरटी में साथ में दे रखा है, बट टेक्निकली दोस टू आर टू डिफरेंट चैप्टर्स एंड काफी बड़ा होता है। एनसीईआरटी में जो दिया है वो जो हम पढ़ेंगे उसका हार्डली 30% होगा, बाकी हम लोग उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। ओके सर। ओके चलो, सो स्लाइड को चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड।